गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की किताब में पार्ट 13 पढ़ेंगे, व्यंजन के आधे रूप। व्यंजन आपके क से लेके ज्ञ तक के वर्ण होते हैं, वो आपके व्यंजन होते हैं। आज हम उनको आधे किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं उनको पढ़ना सीखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपके पूरा अक्षर दे रखा है, पूरा व्यंजन दे रखा है और यहाँ पे आपका आधा दे रखा है। क क देखिए, क में नीचे लाइन नहीं खींचनी है, क क इसके शब्द पढ़ेंगे म क खी मक्खी नक्शा। लेकिन जब हम आधे शब्द व्यंजन पढ़ते हैं तब जिस व्यंजन को पढ़ा जा रहा है उसकी आवाज थोड़ी धीरे से सुनाई देती है। क वाले शब्द, क वाले आधे क के व्यंजन को हम पढ़ेंगे तो है मक्खी और नक्शा। इसके बाद है ग, ग में आधा अक्षर लिखेंगे तो पीछे का जो डंडा है इसका वो हटा दिया जाता है। ब ग घी बग्घी ग्यारह। इसके बाद है ज, ज में से भी आपकी जो लाइन लगी हुई बनी हुई होती है इसमें ज में उसको हटा दिया जाता है। छ जिंजा छज्जा लज्जा। जब हम आधे व्यंजन पढ़ रहे हैं उसमें भी हमें शब्द की आवाज सुनाई दे रही है, वो धीरे आ रही है ना। अंडा और झंडा। थ पृथ्वी और मिथ्या। ध, ध के में भी झंडा हट जाता है इसमें। अध्यापक और ध्यान। भ, भ वाला शब्द है अभ्यास और सभ्य। आप ये देखिए यहाँ पे किस तरह से आधे व्यंजन लिखने हैं, ये भी आपको यहाँ लिख रखा है और पूरे व्यंजन भी आपके लिख रखे हैं, आप इनको पढ़ना सीखिए। ख, ख में भी लाइन हट जाएगी, तख्त और सख्त। इसके बाद है च वाला व्यंजन, च अच्छा और इच्छा। इसके बाद है त पत्ता और सत्य। न हिंदी और बिंदी। व व्याकरण और व्यापार। फ दफ्तर और मुफ्त। स बस्ता और स्कूल। ये आपके आधे व्यंजन के शब्द हैं। एक बार हम इन्हें दोबारा से पढ़ लेते हैं। मक्खी नक्शा बग्घी ग्यारह छज्जा लज्जा अंडा झंडा पृथ्वी मिथ्या अध्यापक ध्यान अभ्यास सभ्य तख्त सख्त अच्छा इच्छा पत्ता सत्य हिंदी बिंदी व्यापार सॉरी व्यायाम व्यापार दफ्तर मुफ्त बस्ता और स्कूल। ये आपके आधे व्यंजन के शब्द हैं, इन्हें पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसके बाद आप देखिए संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर शब्द कौन से होते हैं और उन्हें किस तरह से लिखते हैं। संयुक्ताक्षर शब्द है श त्र और ज्ञ। श से क्षत्रिय वाला, ये किन शब्दों को मिलकर बनता है? क और श से षटकोण मिलाने पर श से क्षत्रिय बनता है। इसके शब्द हैं दक्ष। जब इन शब्दों को पढ़ने हमें क और श दोनों की आवाज सुनाई देती है। कक्ष और वक्ष। इसके बाद है त्र। त्र संयुक्ताक्षर त और र शब्द को मिलाने से त्र बनता है और जब इसके शब्द हम पढ़ते हैं तो हमें त और र की दोनों की आवाज सुनाई देती है। पत्र इत्र और सत्र। इसके बाद है ज्ञ। ज ण मिलाने से ज्ञ बनता है तो इसके शब्द है यज्ञ ज्ञान और विज्ञान। आप आधे व्यंजन वाले शब्द और संयुक्ताक्षर शब्दों को अपनी किताब में से पढ़ने का प्रयास कीजिए और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की और लिखने की कोशिश कीजिए।